एजीटी ने एक नोटिस जारी कर दिया है आईटीआई छात्रों के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, लगातार ट्वीट पे ट्वीट आप लोग कर रहे थे, तो उस वजह से मान सकते हो कि डीजीटी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है रिजल्ट के बारे में और प्रमोशन के बारे में। वो क्या नोटिस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास ये नोटिस है और ये डीजीटी की मेन वेबसाइट पर है भाई। ये एनसीबीटी पर नहीं मिलेगा आपको, ये डीजीटी की मेन वेबसाइट पर मिलेगा। आप डीजीटी सर्च करना क्रोम में, ठीक है? वहाँ पर आप लोग को ये जो है नोटिस मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है? कभी अगर आपका 2018 में एडमिशन हुआ है और आपका सेकेंड ईयर है तो उनके बारे में बताया गया है, और जिनका 2019 में एडमिशन हुआ है तो उनके बारे में इन्होंने बताया गया है, ठीक है? सबसे पहले तो रिजल्ट के बारे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। सेकंड इमेज में जो है पहला जो पैराग्राफ है इसका ये आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा क्या गया है, जिनका 2018 में एडमिशन हुआ है, ठीक है, 2018 वाले जिनका एडमिशन हुआ है और जिनका 2019 में एडमिशन हुआ है। 2018 वाले साफ के लिए देता हूँ, जिनका सेकंड ईयर, जिन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दिए और जिनका फर्स्ट ईयर था आपकी बार, तो जिनके पेपर हो चुके हैं उनकी बात हो रही है। उनका जो रिजल्ट है भैया, वो इन्होंने बताया है कि प्रोसेस इज द फ्लेज द रिजल्ट ऑफ द सेम विल बी डिक्लेयर विच इन। देखिए, इन्होंने लिखा क्या गया है, इसमें बताया गया है कि 15 16 दिन के अंदर जो है, 15 दिन के आप मान सकते हो, 15 दिन के अंदर जो है आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है? जिनका सेकेंड ईयर है, जिनके पेपर हो चुके हैं फिलहाल, जिनके नहीं हुए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, जिनकी बैक है उनके बारे में बताने वाला हूँ, प्रमोशन के बारे में बताने वाला हूँ, क्या लिखा गया है, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको इसमें मतलब जो है अपडेट मिलने वाली है। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, यानी कि अगर आपने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं अब की बार, ठीक है, अगर आपने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 15 दिन के अंदर अंदर, और जिनका फर्स्ट ईयर के अगर आपने पेपर दिए हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है? दोनों पॉइंट की मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब आ जाओ भैया बैक वाले, जिनका सेमेस्टर है उनका बैक है उनके बारे में बताया। द एग्जामिनेशन फॉर फेल ट्रेनीज, यानी कि जिनका बैक है सेमेस्टर है उनके बारे में इन्होंने बताया गया है कि उनका जो है प्रमोशन तो नहीं होगा, लेकिन जो है मतलब उनका जो आने वाले कुछ दिनों में लगेगा, नो द नोटिफिकेशन ऑफ द 3 एग्जामिनेशंस विल बी पब्लिशड स्पेल्टली, यानी कि इन्होंने बताया गया है कि जो जिनका सेमेस्टर है, जिनका बैक है, अभी उनके लिए इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है। आने वाले जैसे ही मतलब ये प्रोसेस जो सही होगा, रिजल्ट जैसे इनका डिक्लेयर होगा, उसके बाद एक नया नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद इनका बताया जाएगा कि इनका इनके लिए क्या करना है, प्रमोशन करना है या फिर इनका पेपर वगैरह करवाना है, ठीक है? बैक वालों के लिए इन्होंने ये बताया है, अभी बैक वालों के लिए इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है फिलहाल, ठीक है? सुन लो, जिनकी बैक है और जिनका सेमेस्टर है उनके बारे में बता रहा हूँ, अभी उनके लिए इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है, ठीक? अच्छा, अब आ जाओ प्रमोशन वाले, जो प्रमोशन की बात कर रहे थे, ठीक है? इन्होंने प्रमोशन को साफ साफ मना कर दिया है कि प्रमोशन तो नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे प्रमोशन? क्योंकि इन्होंने बताया गया है, जो एक पिछला जो नोटिस आया था हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो किस लिए था आप लोग मतलब वो स्कॉलरशिप के लिए था, जिन्हें जो आपके फर्स्ट ईयर थे उन्हें सेकंड ईयर भेज रहे थे, वो सिर्फ आपके स्कॉलरशिप के लिए बता रहे थे, लेकिन प्रमोशन का उन्होंने अभी मना कर दिया है कि हम प्रमोशन नहीं करने वाले हैं आईटीआई का, ठीक है? इनका एग्ज़ाम ही होगा, वो कब होगा फिलहाल उन्होंने कोई भी कंफर्म एग्जामिनेशन की डेट नहीं दी है, कंफर्म तो नहीं किया है एग्जामिनेशन डेट कि इस दिन हम इसका एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन जल्दी ही इस पर भी कोई ना कोई नोटिस देगा, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम इस पर नोटिस देंगे बैक वालों पर भी, ठीक है? जैसे ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद, जैसे ही स्थिति सही होगी कोरोना वायरस की, उसके बाद इनका भी एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ठीक है भाई? तो ये तो हो गई इन छात्रों के लिए बात। हाँ, आप लोग मतलब कुछ तो खुश हो रहे होंगे और कुछ नाराज़ भी होंगे, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए तो भाई दिक्कत ही है ना? तो उनके लिए भी मतलब जल्दी ही कुछ ना कुछ तो होगा ही, मुझे लग रहा है जून में ही शायद आपका ये कुछ ना कुछ पैटर्न की तरीके से आपकी परीक्षा ना कराए, क्योंकि जून से पहले पहले ये क्या चल रहा है, मई में जो है आपका रिजल्ट आना है, ठीक है? मई में बता रहे हैं अभी, शायद मई या फिर जून के पहले हफ्ते में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है उन छात्रों को लिया जाएगा जिन छात्रों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ठीक है? उनके बारे में ये बताएंगे कि उनकी परीक्षा करानी है, लेकिन या फिर उन्होंने प्रमोशन तो मना कर दिया, तो जाहिर सी बात है इनकी परीक्षाएं कराएगा। और रही बात बैक वालों के लिए, बैक वालों के लिए भी उन्होंने बताया गया है कि बैक वालों के लिए और जो सेमेस्टर है उनका भी जो है प्रमोशन नहीं होगा, उनके लिए भी अलग से जो है नोटिस जारी किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि इसमें उनको लिए क्या प्रावधान करना है इनको,
ठीक है, क्या क्या इन्होंने इसमें सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप पे कोई डाउट्स बन रहा है तो मुझे कमेंट करना लास्ट में, ठीक है। जिनका पेपर हो चुका है वही उन वो तो मतलब तैयारी रही फिर रिजल्ट के लिए। जिनका पेपर हो चुका है, जिनकी कोई भी बैक नहीं है, जो भी अब तक क्लियर हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं आप लोगों ने, तो आपका रिजल्ट ही आएगा। अन्यथा और छात्रों का जिनकी बैक है या फिर सेमेस्टर है, उनका भी कोई रिजल्ट के बारे में उन्होंने बात नहीं की, आने वाले नोटिस में ये मैं बता दूंगा जैसे ही कोई आएगा। अब आप लोग, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग मेन वेबसाइट से DGT की, आपको कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, ठीक है। आप क्रोम में सर्च कर सकते हो DGT, ठीक है। NCVT पर ये नोटिस नहीं है, DGT पर है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। और अगर आप भी, आपको कोई भी डाउट्स है, मैंने पूरा पैराग्राफ आपको हिंदी में बता दिया है क्या इसमें प्रोसेस था, मैंने आपको पूरा बता दिया है नोटिस के बारे में, ठीक है। अगर आप अभी, आपको कोई डाउट बन रहा है तो मुझे लास्ट में ज़रूर कमेंट करना भाई, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को तो मैं एंड करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ट्वीट करते रहना है, क्योंकि ये आप लोगों की मतलब आप लोगों ने ट्वीट किया तो इसका फल आया है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जल्दी ही कुछ ना कुछ तो नोटिस ना कुछ तो नोटिस ज़रूर आएगा, हालांकि उन्होंने दे ही दिया है। और आप लोगों को ट्वीट करते रहना है, जिनका बैक है फिर सेमेस्टर है और जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है, आपको भी प्रमोशन के लिए, रिजल्ट के लिए अपना ट्वीट लगातार करते रहना है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को तो मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।